स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आ चुके हैं जो आपका पेपर है कल यानी कि 14 फरवरी 2020 को जो फ्रेंड आपका पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज का आईसी बोर्ड स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जैसे आप समझ पाए कि किस पोर्शन को कितना समय देना चाहिए या फिर क्या टिप फॉलो करें कल के पेपर के लिए। दोस्तों इस वीडियो में हम आपसे बहुत कुछ बातें करने वाले हैं, बेहद इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं आप सभी स्टूडेंट्स को, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। साथ साथ माय डियर फ्रेंड्स आप अपने चैनल अभी अपडेट को तुरंत ही सब्सक्राइब करिए क्योंकि यहाँ पे माय डियर आपको आईसी बोर्ड से जुड़ी हर एक अपडेट मिलेगी, साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा यहाँ पे, जैसा आप देख भी रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स आपने देखा भी होगा कल से अभी तक हम लोगों ने ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर दिया है इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ प्रैक्टिस सेशन का, ये प्रैक्टिस क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स इंग्लिश जो है प्रैक्टिस पर बेस्ड करता है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि यहाँ पे एग्जामिनेशन में फिल इन द ब्लैंक्स आपका आता है, पेट भरना पड़ता है, वर्ब हो गया या फिर रिराइट के लिए आता है, तो ये सभी चीज़ें प्रैक्टिस पे बेस्ड होती हैं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं इंग्लिश को उतना अच्छे मार्क्स आप सिक्योर कर पाते हैं। उसलिए ऑलरेडी हम लोगों ने 3 वीडियोस अपलोड कर दिया, जाके उसको देख लीजिएगा, आपका प्रैक्टिस ही होगा। साथ साथ और भी वीडियोस आने वाली क्योंकि कल आपका पेपर 2 बजे से स्टार्ट होने वाला है, तो उससे पहले कुछ आपको 2-3 वीडियोस और मिल जाएगा आप देखिएगा, जिससे आपका जो प्रैक्टिस होगा वो और स्ट्रांग होने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड इसी सब चीज़ के लिए अपने चैनल अभी आप लोग तुरंत सब्सक्राइब करिए क्योंकि आप लोग के लिए हर एक पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं पे देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिर किस पोर्शन को कितना समय देना चाहिए जैसे आपके लिए बेस्ट हो पाए, साथ साथ क्या टिप्स फॉलो करना चाहिए कल के पेपर के लिए जिससे आप और अच्छे मार्क्स को सिक्योर करके टाइम को सेव कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड और देखते हैं टिप्स के बारे में। दोस्तों टिप्स की अगर हम बात करें आपसे फिर यहाँ पे आ जाते हैं, फिर टिप्स पे आ जाते हैं अपने पैड पे, बिल्कुल फिर आ चुके हैं अपने पैड पे। चलिए थोड़ा सा मैं आपसे हर एक टॉपिक के बारे में बात करूँ तो वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ फ्रेंड आपका। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम बात करें आपका तो कंपोजिशन लिखने के लिए आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कंपोजिशन के अंदर में तो आपको 450 वर्ड से 500 वर्ड्स तक लिखने का आता है। मैं आपको सजेशन ये दूंगा माय डियर कि आप अपने वर्ड्स लिमिट को 450 के आसपास रखिएगा, डोंट ट्राई टू एक्सीड इट मोर देन 500 वर्ड्स। आप लोग प्लीज़ 500 वर्ड्स के बियॉन्ड में मत खींचिएगा। वो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा लिखने के से प्रॉब्लम देखिए क्या क्या होता है, या प्रॉब्लम या कहिए तो क्या क्या कहाँ कहाँ पर मिस्टेक हो जाता है। ज़्यादा लिखने से होता ये है कि आपका पैरा ज़्यादा बढ़ेगा तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, बिल्कुल सही, टाइम ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। साथ साथ अगर आप एक पैरा को लिखोगे तो मे बी हमें मालूम कि आप मिस्टेक नहीं करेंगे, लेकिन मे बी वहाँ पे उस पैरे में ग्रामेटिकल मिस्टेक निकल के आ जाए। तो क्यों लिखा जाए जिस पैरे को, जिस पैरे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि 450 से 500 वर्ड तक फिनिश करिए अपने वर्क को, तो क्यों लिखे जबकि ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप इसके ज़्यादा मात्रा लिखिएगा, 450 अगर कहा गया तो 450 से 455 460 के आसपास वर्ड्स को लिखिएगा। ठीक है, वहाँ पे कोई काउंट करने नहीं जा रहा है बट वो पता कर लेते हैं, तो आप लोग ध्यान से लिखिएगा, ज़्यादा मत लिखिएगा, ज़्यादा लिखने से टाइम कंज्यूम होगा, साथ साथ आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक भी हो सकता है, और ज़्यादा लिखने से होगा कि टाइम आप उसको सेव करके अगले क्वेश्चन पर जा सकते हैं जो आपको आपके कंपटीटर से आगे कर देगा। ये हमारी तरफ से पहली टिप्स है। साथ साथ दोस्तों हर एक क्वेश्चन को आपको फ्रेश पेज से स्टार्ट करना होगा क्योंकि फ्रेश पेज से स्टार्ट करने से आपका जो इम्प्रेशन होगा वो बेस्ट पड़ेगा एग्जामिनर पे, साथ साथ वो 2 क्वेश्चन के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाएगा। साथ साथ दोस्तों आपको मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ आपके कल के पेपर के लिए, कंपोजिशन में लिखने के लिए कभी आ जाता है, स्टोरी बेस्ड लिखने के लिए आ जाता है, तो प्लीज़ आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है, स्टोरी बेस्ड में ये मत लिख दीजिएगा कि पूरी स्टोरी चल रही, और लास्ट में ये मत लिख दीजिएगा आप लोग कि जैसे कि मैं सो रहा था तो मैंने ये देखा। ऐसा हमने बहुत बार देखा है कि कैंडिडेट्स लिख देते हैं कि पूरी स्टोरी हो जाती है तो लास्ट पैरे में आके मालूम चलता है कि भैया उस समय तो वो जो पर्सन था वो कुछ स्लिप करा है स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन में, सो रहा है या फिर कुछ और चीज़ें, तो ऐसा मत लिखिएगा, लास्ट में सस्पेंस बना के छोड़ मत दीजिएगा। अगर आपने सस्पेंस बनाया है स्टोरी में तो सस्पेंस को क्लियर करके छोड़िएगा। ठीक है माय डियर, ये छोटी सी एडवाइस थी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। साथ साथ फ्रेंड अगर आप लास्ट पैरे में आप गलतियाँ ना कीजिए क्योंकि लास्ट पैरे में गलतियाँ करने से पूरे पैरे का इंप्रेशन या पूरे कंपोजिशन का इंप्रेशन खराब बन सकता है।
अब बात करते हैं सेकंड फ्रेंड, लास्ट में बात करेंगे कि आपको किस पार्ट में कितना समय देना है, अभी बात करें तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आपसे हम बार रिक्वेस्ट फ्रेंड, प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कल आपको सबसे पहले सॉल्यूशन भी मिलेगा आपके चैनल अभी अपडेट पे आपके पेपर को। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने ही चैनल अभी अपडेट को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की। क्वेश्चन नंबर टू में फ्रेंड दो पार्ट हो सकते हैं, एक होता है रिपोर्ट राइटिंग आपको लिखने के लिए आएगा, ठीक है, रिपोर्टर जैसे लिख के आता है, और दूसरा आपका प्रोपोजल लिखने के लिए फ्रेंड अधिकतर पूछा जाता है, ठीक है फ्रेंड आपका। तो यहाँ पे आपको ये 300 वर्ड बोला गया है, यहाँ पे आपको 150 वर्ड्स फ्रेंड आपको बोला गया है, ठीक है माय डियर। तो जब 300 वर्ड्स इसमें बोला गया और 150 वर्ड इसमें बोला गया, तो प्लीज़ आपसे फिर से यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि जितना बोला गया उतना ही आप लिखिएगा। ये 20 मार्क्स से पूछा जाएगा और ये आपका 10 मार्क्स में एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें फ्रेंड, वीडियो अंत तक देखिए क्योंकि वीडियो के लास्ट में बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ पेपर के लिए। नंबर थर्ड की बात करें तो उसमें रीराइट सेक्शन, आपको रीराइट लिखने के लिए सेंटेंस आपका आएगा 10 मार्क्स के। फिर द ब्लैंक्स आएगा, आपको भरना रहेगा प्रिपेड वर्ड के साथ 5 मार्क्स का, जिसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं। और लास्ट होता है पैरा ब्लॉक्स होता है, जिसमें फिर द ब्लैंक्स होता है, इसमें आपको 5 मार्क्स के होते हैं, 10 5 नंबर के होते हैं, 10 क्वेश्चन इसमें भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है फ्रेंड। तो यह भी आपका 30 मार्क्स एग्जामिनेशन में, सॉरी 20 मार्क्स फ्रेंड, आपको 20 मार्क्स एग्जामिनेशन में ये पूछा जाएगा 20 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करें और लास्ट पार्ट करें तो यहाँ पे आपको कम्प्रिहेंशन के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन देखने को मिलता है न फ्रेंड, तो 25 मार्क्स का ये आपका होता है, तो ये आप सभी जानते होंगे। अब बात करते हैं कि आखिर किस सेक्शन को कितना टाइम अलॉट किया जाए, जैसे आपका पेपर छूटे बिना टाइम बच जाए, आप अच्छा करो, क्योंकि हमारी पूरी देखिए फ्रेंड, हमारे तरफ से, पूरी चैनल की तरफ से, पूरी टीम मेंबर की तरफ से आपको और आप सभी फ्रेंड्स को, आप सभी को आपके पेपर के लिए वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड अब बात करते हैं कि आखिर किस क्वेश्चंस को कितना टाइम दिया जाए। हम फ्रेंड क्वेश्चन वन की बात करें जहां पे कंपोजिशन देखने को मिलता है आपको, तो हम आपको ये एडवाइस देंगे कि आप इसमें 40 मिनट ज़्यादा ना लगाएं, आप इस पार्ट को 40 मिनट ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, ठीक है फ्रेंड। और 40 मिनट्स हमें लगता है ज़्यादा दिक्कत की बात होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड। यानी क्या, 40 मिनट्स के फ्रेंड बात करें आपसे तो 40 मिनट्स अगर कहा जाए तो देखिए ध्यान से समझे फ्रेंड, 450 वर्ड्स आपको कम से कम लिखना है। यानी क्या, यानी कि कहा जाए तो अगर आप एक मिनट में अगर फ्रेंड आप अगर 10 to 12 वर्ड्स पर लिखते हैं ना तो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आराम से लिखेंगे 450 वर्ड्स आपका आराम से बन जाएगा। यानी कि अगर एक मिनट में अगर आपकी स्पीड लिखने का 10 to 12 वर्ड्स भी होगा ना तो भी आप आराम से पेपर को कर देंगे। देखिए 12 मिनट हो तो यानी कितना, यानी कि आप 40 मिनट्स में 480 वर्ड्स लिख पाएंगे, और देखिए कितना बेस्ट है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप अपना इतना स्पीड रखिए कि आप एक मिनट के अंदर 10 to 12 वर्ड्स लिख रहे हैं, और ज़्यादा टाइम मत दें 40 मिनट ज़्यादा इस पहले पार्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू की बात करें तो क्वेश्चन नंबर टू रिपोर्ट राइटिंग पे आपका आता है जो 20 मार्क्स का होता है, ठीक है फ्रेंड। तो 20 मार्क्स की फ्रेंड बात करें रिपोर्ट राइटिंग में, तो रिपोर्ट राइटिंग 20 मार्क्स के फ्रेंड आपका आता है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा यहाँ पे आप कि 20 मिनट्स ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट ना करें। अगला पार्ट बात है प्रोपोजल लिखने के लिए आपका आता है 10 मार्क्स का, ठीक है फ्रेंड। तो मैं आपको फिर से एक बार यहाँ पे एडवाइस दूंगा कि आप इस पार्ट में भी 10 मार्क्स से ज़्यादा इन्वेस्ट 10 मिनट ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें। देखिए जाए यहाँ पे तो फिर इसमें देखिए आपको 300 वर्ड्स लिखना है और यहाँ पे आपको 150 वर्ड्स लिखना है, यानी कितना सिंपल है भैया। यानी कि अगर आप रिपोर्ट राइटिंग में, माय डियर रिपोर्ट राइटिंग में अगर आप एक मिनट में 15 वर्ड्स भी लिखेंगे ना तो भी हो जाएगा। और हमें नहीं लगता कि आईसी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए 1 मिनट में 15 वर्ड्स लिखना प्रॉब्लम होना चाहिए, वेरी सिंपल है, ठीक है। तो आराम से लिखेंगे तो आपका जो रिपोर्ट राइटिंग होगा फ्रेंड आपका एंड हो जाएगा, ठीक है ना, आराम से करेंगे। तो साथ प्रपोजल की बात करें तो 10 मिनट में बोल रहा हूँ 150 वर्ड लिखना, अगेन और बिग टास्क 15 वर्ड लिखेंगे पर मिनट में तो भी आपका फ्रेंड यहाँ पे ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एडवाइस मैं आपको फ्रेंड दे रहा हूँ, वैसे सजेशन से आपको जो अच्छा लगेगा प्लीज़ करिएगा। आपका टाइम अगर आपने बनाया है तो बहुत अच्छा, क्योंकि हमारी तरफ से आप टाइम फॉलो कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो। यहाँ पर हम बार क्वेश्चन, प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए। और फ्रेंड एक बात और अभी और बताने वाले हैं फ्रेंड आपको, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ प्रैक्टिस सेशन #1, प्रैक्टिस सेशन #2, प्रैक्टिस सेशन #3 का जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और भी वीडियोस आ रही हैं आप लोग के लिए इंग्लिश के पेपर के लिए, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वॉच इट, ओके। एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन फॉर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर यूट्यूब चैनल अभी अपडेट।
अब बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर थर्ड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड फ्रेंड को री राइट देखने को मिलता है, यहाँ फ्रेंड री राइट देखने को मिलता है, फिर द ब्लैंक्स देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपका पैरा बेस देखने को मिलता है। तो ये 10 नंबर का, ये 5 नंबर का, ये 5 नंबर का, तो इसमें तो देखिए फ्रेंड ये जो होता है थोड़ा सा टाइम ले लेता है, दिस टेक्स अ टाइम, ठीक है, थोड़ा सा लिटिल बिट थोड़ा ज़्यादा समय ले लेता है ये आपका। लेकिन ये 5 नंबर के होते हैं, सिंपल होता है ये। तो पैरा आप क्या करेंगे, पैरा कैसे कर सकते हैं, आप एक बार पूरा पैरों को पढ़ लीजिएगा, ठीक है माय डियर। उसके बाद फिर से दोबारा जब पैरों को पढ़ेंगे ना, तो आप उससे सही से क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है, आराम से करेंगे। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप इस पूरे पार्ट को फ्रेंड 20 मिनट के अंदर कंप्लीट कीजिए, 20 मिनट के अंदर में, ठीक है फ्रेंड, 20 मिनट के अंदर में। यानी फिर से वही बात, 10 मिनट इसको दीजिए, 5 मिनट इसको दीजिए, 5 मिनट इसको दीजिए, आराम से हो जाना चाहिए, हमें लगता है आराम से हो जाना चाहिए। यानी कि एक मिनट में एक लाइन लिखना है, आराम से लिख सकते हैं, तो ठीक है ना फ्रेंड। तो आपको एडवाइस दूंगा आप इस पार्ट को 20 मिनट के अंदर फिनिश करिएगा, ओके okay? अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन फोर्थ बात है, क्वेश्चन फोर्थ आपका कंप्रीहेंशन लिखने के लिए आता है। तो कंप्रीहेंशन में भाई आपको फंड करना है, कंप्रीहेंशन आपको आपका जो आता है, तो इसमें आपका एडवाइस होगा 50 मिनट के अंदर में उस कंप्रीहेंशन को फंड फिनिश करिएगा, सिंपल में हो जाएगा। यानी कि पूरा अगर हम बात करें आपसे ना, तो आप अभी भी 40 मिनट सेव कर पाएंगे। यानी कि आप पूरे पेपर को फंड 140 मिनट्स में कर लेंगे, 40 मिनट्स बच जाएगा। अगर मान लीजिए कि किसी पार्ट में ज़्यादा समय लग गया, तो अभी आपके पास 40 मिनट्स बचते हैं, ठीक है। तो ये बेस्ट रहेगा आपके लिए, आप स्टडीज फॉलो करते हैं, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो 40 मिनट सेव होगा, आपका पेपर 140 मिनट में फिनिश हो जाएगा फ्रेंड। तो उम्मीद करेंगे कि आपको सभी नॉलेज हमने दिया उस वीडियो में, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके हमें मोटिवेट करें, वीडियो को शेयर करें, अपने चैनल अभी आप सब्सक्राइब करिएगा, डोंट फॉरगेट टू वॉच द प्रैक्टिस सेशन वीडियोज गिवन इन द लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है फ्रेंड। एंड मोर वीडियोज आप कल आने वाले, तो उसको देखना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड आपके साथ अगली वीडियो में, ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड सी यू वेरी सून।